हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टार आई क्यू स्टार आई क्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट और बहुत ही अद्भुत से सेशन की शुरुआत करते हैं ये जो आपका पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे महीने के करंट अफेयर पूरे महीने के करंट अफेयर यानी कि ये इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं हरियाणा के करंट अफेयर एक जनवरी से लेके और इकतीस जनवरी दो के बीच के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं इस सेशन को दबा के आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज प्लीज आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आइए बिना किसी देरी के हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत कर देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन की विजिबिलिटी प्रॉपर आ रही होगी आई थिंक ठीक है तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्या दे रखा है ठीक है एक सेकेंड जी तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि केंद्र सरकार की वीर गाथा परियोजना के तहत देश भर में 25 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है इनमें से हरियाणा की रिया ग्रोवर किस जिले से संबंधित है ये आपसे एक सवाल पूछा है इन्होंने ठीक है तो एकदम सिंपल सा सवाल है इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है ही है आपके लिए कि देश भर के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम चला था आपका इस प्रोग्राम के तहत सिलेक्शन किया गया है तो जो रिया ग्रोवर है ना इनका सिलेक्शन किया गया रिया ग्रोवर हरियाणा के जो है ना वो कौन से जिले से संबंधित है तो इस सवाल का जो सही आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा करनाल जिले से संबंधित है रिया ये याद रखिएगा आप लोग केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है वीर गाथा इसके तहत देश भर के पच्चीस विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है गणतंत्र दिवस की जो पहली संध्या है उनके ऊपर यानी कि पच्चीस जनवरी को इनको सम्मानित किया गया वीर गाथा प्रोग्राम में होता क्या है जो भी हमारे भारत के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी है या स्वतंत्रता के अलावा जो बहुत सारे ऐसे फौजी रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत की रक्षा करते करते हुए अपनी जो है ना जान दे दी है ये शहीद हो गए हैं तो उनसे संबंधित जो है ना कुछ आपकी पोइट्री वगैरह इन्होंने की इसी, की इसी प्रोग्राम के तहत ही इनका सिलेक्शन हुआ है और उसी में ही इनको सम्मानित किया गया है करनाल की बच्ची का वीर गाथा प्रोजेक्ट से रिया नाम याद कर लेना इतनी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ जो है ना वो किसने किया है तीर्थ मित्र पोर्टल तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ इसमें इनमें से किसने किया है तो इनका नाम है मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अड़तालीस कोष तीर्थ में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया ये तीर्थ मित्र पोर्टल बेसिकली क्या है ये हरियाणा के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसको धर्म क्षेत्र कहते हो तो इसी क्षेत्र के जितने भी तीर्थ हैं वैसे तो इसमें बहुत सारे तीर्थ है इसको अड़तालीस कोष भूमि कहते हैं तो इसी के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो आपका पर्टिकुलर सेशन है इसके अंदर पूरे महीने के बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया ही करता हूं हर रोज भी पढ़ते ही होंगे आप लोग लेकिन फिर भी याद रखिएगा ये सेशन आप लोगों के लिए मंथली कंपाइलेशन है एक बार के लिए जस्ट रिविजन का सेशन है ताकि आप लोग हर रोज जो पढ़ते हो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के लिए मैं शेयर कर दूँ एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है इसमें ये अगली बात है हरियाणा के कितने जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे इनोवेटिव स्किल स्कूल जो है ना हरियाणा के अंदर देखो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये हरियाणा के पलवल के दूधोला के केंद्र पड़ती है ये बात आपको पता होगी इस विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है सर इसका मतलब है कि आपकी स्किल पर फोकस करने वाली है जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बजट पढ़ाया होगा तो बजट में बता रहा था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 पॉइंट योजना लॉन्च की है इसका मतलब है कि 4.0 में बच्चों को जो है ना वो स्किल पे काम किया करवाया जाएगा ऐसे 30 स्किल सेंटर खोले जाएंगे जिससे बच्चों को विदेश में रोजगार मिल सके कुछ ऐसा ही है स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत बच्चों को पर्टिकुलर किसी एक स्किल पे लाइक जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स हुआ है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हुआ है या कोई आपका कंप्यूटर टाइप टाइपिंग का कोर्स हुआ है ऐसे कोर्स के आधार पे देश और विदेश में बच्चे जो पा सके एक ओवरसीज सेल भी हरियाणा ने खोल रखी है और इसके तहत हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 10 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जिनमें केजी टू पीजी कार्यक्रम भी चलेगा मतलब केजी से लेके पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है ना यहाँ पे एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे बच्चे पढ़ाई कर सके के साथ-साथ सा स्किल को भी सीख सके के साथ ही रोजगार का भी अवसर उन्हें मिल सके अगली बात हमारी ये है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को पहली बार नेक ए प्लस ग्रेड से मान्यता दी गई है नेक ए प्लस ग्रेड से मान्यता अभी हाल ही में मिली है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यानी कि जी यूनिवर्सिटी यु को मिली है जी यूनिवर्सिटी यु की स्थापना 20 अक्टूबर उन्नीस को हुई थी और तो जी के जो वीसी एक्स वी रह चुके हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी आ, उनको पूरे भारत में सबसे बेस्ट वी का अवार्ड दिया जा चुका है हालांकि वर्तमान में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हरियाणा में एक एकमात्र है महेंद्रगढ़ के अंदर वहां के वी है लेकिन इस यूनिवर्सिटी के करंट वीसी जो है वो एच के जो वीसी है बीआर कंबोज वही एक्स्ट्रा चार्ज यहां पे ले हुए हैं चौधरी भजनलाल जी जिनको बिश्नोई समाज का सिरमोर कहा गया है या इसके अलावा चौधरी भजनलाल जी जिनको राजनीति का चाणक्य राजनीति की धुरी कहा गया है पाकिस्तान के कोरुंद वाली के अंदर इनका जन्म हुआ था और भजन जी ने ही इसी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी 20 अक्टूबर उन्नीस के अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जरूर याद रखिएगा ये जो नेक ए ग्रेड दिया जाता है ना इसका साधारण सा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्टाफ के अलावा रिसर्च रिसर्च जर्नल पेपर इसके अलावा रिजल्ट सिलेबस एग्जाम पैटर्न इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसी को ये जो है ना दिया जाता है आपका और जी जी यूनिवर्सिटी में याद रखना एक पुष्प मेला भी लगता है जिसको फूलों का मेला कहते हैं लास्ट टाइम नौवां पुष्प मेला लगा था इस बार दसवां पुष्प मेला होगा ये जनरली फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्टिंग में जो है ना वो लगता है आपका मेला हर साल ही लगा करता है इसके अलावा अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है हम पे आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हाल ही में हरियाणा में जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है तो जन स्वास्थ्य विभाग के ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाया गया है बनवारी लाल जी को हरियाणा में कुछ मंत्रालय बदले गए हैं और उस मंत्रालय बदले गए उसके तहत ही बनवारी लाल जी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है इनके पास ऑलरेडी सहकारिता विभाग पहले से ही है और इनके पास अब जन स्वास्थ्य विभाग जो है ना इनको दिया जाएगा क्या है क्या हुआ है ये देखिएगा किन किन के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट आए हैं वो देखो आप लोग यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है इनमें आप लोगों को इस लिस्ट के माध्यम से समझ आ सकती है कि, कि किस मंत्री के पास में वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है मुख्यमंत्री जी की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है देखिए जी मुख्यमंत्री के पास में जो डिपार्टमेंट आते हैं हमारे पास में ठीक है ना वो डिपार्टमेंट है फाइनेंस इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है इरिगेशन यानी कि आपका जल वाला है प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है आर्किटेक्चर है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी है पर्सनल एंड ट्रेनिंग भी है राजभवन अफेयर सोशल जस्टिस यूथ एम्पावरमेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स क्यों क्योंकि अभी हाल ही में जो खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी ने वापिस कर दिया था पद वो अब इनके पास में आ गया तो आप उनसे ये पूछ सकते हो सर खेल मंत्री हरियाणा के करंट कौन है तो मैं जवाब रहेगा मुख्यमंत्री जी के पास ही खेल मंत्रालय ही है ठीक है ना दुष्यंत चौटाला जी के पास में कोई बदलाव <laughs> नहीं हुआ उनके पास में जो डिपार्टमेंट पहले थे वो डिपार्टमेंट अभी भी चल रहे हैं इनके ठीक है ना सेम ही डिपार्टमेंट है और इसके बाद की अगर बात की जाए तो अनिल विज जी के पास में अगर डिपार्टमेंट आप देखोगे तो इनके पास वर्तमान में होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह हेल्थ मेडिकल एजुकेशन और आयुष डिपार्टमेंट ये चार डिपार्टमेंट इनके पास है सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है श्री कंवरपाल जी की बात करते हैं तो कंवरपाल जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनके पास में पार्लियामेंट्री अफेयर इनके पास में है देखो स्कूल एजुकेशन दो डिपार्टमेंट है अब हरियाणा में नहीं एक स्कूल है एक हायर स्कूल है हायर स्कूल एजुकेशन जो है ना वो तो याद रखिएगा आप लोग मिल गया है मूलचंद जी को किसको मिला है मूलचंद जी को जो कि हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑलरेडी से थे और स्कूल एजुकेशन मिला हुआ है कंवरपाल जी को ये दो अलग बात है इनको याद रखना हायर एजुकेशन मिला है मूलचंद जी को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो स्कूल एजुकेशन है ना वो इनके पास में बाकी पुराने वाले डिपार्टमेंट में कोई बदलाव है नहीं ऑलमोस्ट बाकी जो है ना सेम है इसके अलावा बनवारी लाल जी के पास में एक नया अपडेट हुआ है वो पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसके अलावा कॉपरेशन तो डिपार्टमेंट पहले से था ही था लेकिन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट जो है ना वो अभी इनके पास में एड हुआ है बाकी जो है ना किसी मंत्री का वो लगभग सब कुछ सेम ही है हां संदीप सिंह जी के पास अभी एक ही मंत्रालय रह गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट रह गया इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास में ये खेल मंत्रालय से वापस ले लिया गया है वर्तमान में ठीक है ना मतलब इन्होंने खुद ने ही दिया है इल्जाम वगैरह लगने के चलते हुए देश की सबसे ज्यादा दूध देने का नेशनल रिकॉर्ड वाली भैंस हरियाणा के किस जिले से संबंधित है तो देश की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस ये नेशनल रिकॉर्ड जो है ना वो कौन से जिले की है ये कैथल जिले की भैंस है ये देखिएगा आप लोग कैथल जिले की भैंस है इसने 33.8 लीटर दूध देने का जो है ना रिकॉर्ड कायम किया है इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया है और इसके दूध में फैट जो है ना वो दस में से नौ जो है ना वो बताया गया है तो वो भी अपने आप में काफी इंपोर्ट इंपॉर्टेंट है रेसमा इस बहस का नाम है अगली बात है कि जूनियर इंजीनियर अब गांव में कितने लाख तक के काम करवा सकेंगे तो जूनियर इंजीनियर अब हरियाणा के अंदर गांव के अंदर दो लाख तक के काम जेई करवा सकेंगे दो लाख तक के एसडीओ करवा सकेंगे दो से पच्चीस लाख तक के एक्शन करवा सकेंगे पच्चीस से एक करोड़ और सुप्रिटेंटिंग इंजीनियर एक करोड़ से ढाई करोड़ और चीफ इंजीनियर जो है ना ढाई करोड़ से ज्यादा तक के काम करवा सकेंगे हरियाणा राज्य के अंदर वर्ल्ड एथलीट्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार साल 2022 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वर्ल्ड एथलीट्स की एक नई लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार हरियाणा में नीरज चोपड़ा के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है इस सेशन में थोड़ी सी मेरी स्पीड रहेगी क्योंकि मैं जस्ट रिवीजन करवाने के लिए ही इस सेशन को लेके आता हूं हर महीने क्योंकि आप लोग वैसे तो पर डे पढ़ ही लेते हो तो उनको डिटेल से पर डे पढ़ाता ही हूं हर रोज़ सुबह पाँच बजे चैनल पे लाइव आता ही हूं मैं ठीक है ना आ, आपके लिए एक सेशन लेके ही आता हूँ डेली लेकिन अब ये रिविज़न के लिए रहता है तो ये थोड़ी सी मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ जस्ट रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल वगैरह जो है ना मैं आपके लिए नहीं ताकि आपको एक फटाफट रिविज़न हो जाए आपकी समय की कदर करते हुए ये सेशन लेके आ रहा हूँ मैं तो वर्ल्ड एथलीट के द्वारा जारी सूची के अनुसार 2022 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया तो आंसर है इसका नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा जी के बारे में सबसे ज्यादा जो है ना लिखा गया 2022 में जो है ना जावलिन आ, स्टार नीरज चोपड़ा ने बहुत काम किया इनके चलते हुए इनके 812 आर्टिकल जो है ना छपे हैं दूसरे नंबर पे जमेका केक्यावन आर्टिकल उनपे छपे हैं तीसरे नंबर पे मौजूद फ्रेजर छह सौ अठानवे पांच सौ चौहत्तर जो है ना लिखे गए हैं पूरे साल के अंदर नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं सबको खैर इस बारे में अच्छे से पता है पानीपत के खंडरा गांव के और सोनीपत के खेवड़ा गांव के सुमित आंतिल पुनिया हैं यह भी याद रखना गणतंत्र दिवस परेड में कितने राज्यों की झांकी जो है ना इस बार दिखी है तो 16 राज्यों की झांकी दिखी है इनमें टॉप पे आई है उत्तराखंड राज्य की याद रखना आप लोग एक नंबर पे उत्तराखंड राज्य की है फिर महाराष्ट्र की है ठीक है ना पर टॉप राज्य की आप याद कर सकते हो उत्तराखंड की हरियाणा राज्य की भी झांकी इसमें दिखाई दी जिसमें से जैसे और राज्य कौन कौन से थे आंध्र थे आसाम गुजरात अरुणाचल हरियाणा झारखंड केरल महाराष्ट्र तमिल त्रिपुरा उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की ही है ठीक है उत्तराखंड पश्चिम बंगाल जम्मू लद्दाख दादर नगर हवेली दीव इन सबकी झांकी कर्तव्य पथ पे दिखाई दी गई थी इस बार इसके अलावा हरियाणा राज्य की जो झांकी का थीम था वो था अंतरराष्ट्रीय गीता उत्सव ये तो जरूर याद रखना 2017 में पहली झांकी शामिल हुई थी हमारी 2017 की जो झांकी थी ना इस एरा में 2000 वाले में उसका तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम ठीक है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम था 2017 का 2000 उसके सत्रह के बाद में जो दो आपका बाईस आया उसका थीम था खेलों में नंबर वन हरियाणा दो का जो थीम रखा गया वो रखा गया हरियाणा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव हालांकि इस बार तो जो है ना लगभग सभी राज्यों में कुछ भगवान से संबंधित ही थीम रखा गया था आपका ठीक है अगली बात इस बार 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट जो थे ना वो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी थे ठीक है ना ये भी याद रखना आप लोग हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले नंबर पे है तो लिंगानुपात में जो पहले नंबर पे है ना वो फतेहवाद जिला है ये भी बात आप लोगों को यहां से याद रखना फतेहवाद जिला पहले नंबर है डॉक्टर सपना गहलावत सिविल सर्जन फतेहाबाद की उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी फतेहाबाद जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 950 लिंगानुपात है पूरे हरियाणा का कितना है 917 है और सबसे कम लिंगानुपात है रेवाड़ी जिले का है ठीक है ना केवल आठ ही है सबसे कम रेवाड़ी का आपका तो तीन ही आंकड़े याद करने आपको पूरे हरियाणा का वर्तमान में नौ मतलब दो दो पूरे बाईस का वैसे तो हर महीने आंकड़े आते हैं तो दो हजार पूरे के पूरे हरियाणा का फतेहबाद का सबसे ज्यादा 950 सबसे कम आठ रेवाड़ी का ये तीन ही आंकड़े इसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो याद रखने हैं हाल ही में उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ये उपहार पोर्टल का शुभारंभ जो है ना ये किसने किया है डियर ये बताइएगा आप लोग ठीक है ना उपहार पोर्टल होता उपहार पोर्टल का मतलब क्या है सर उपहार पोर्टल का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को मिले हुए उपहार जो है ना उन्हीं को लोगों को देना लोगों को उनको सेल करना समझिएगा उससे आए पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री जो भी आपका कोष है जिसके अंदर गरीबों की सहायता की जा सके उसमें उस पैसे को रखा जाएगा तो ये है हाल ही में उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया गया और इस उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया किसने डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कौन है डॉक्टर अमित अग्रवाल अमित अग्रवाल हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त प्रधान सचिव है इसके अलावा सूचना लोक संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक भी है इन्होंने मुख्यमंत्री जी के उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया है हाल ही में जैसे कहीं जाते हैं सीएम उनको कोई गिफ्ट मिल जाता है उस गिफ्ट को अब जो है ना एक वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से जैसे उपहार पोर्टल जिसका नाम है उसके थ्रू नीलामी में बेचा जाएगा उससे आए पैसे के लोगों के जो है ना हेल्प में वो पैसा लगाया जाएगा तो ये पहली बार जैसे अट्ठाईस फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा और उपहारों की जो है ना नीलामी की जाएगी इसके अंदर ठीक है ना हर साल में दो से तीन बार जो है ना नीलामी रखी जाएगी इसमें ठीक है अगली बात ये कि चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 भी इसके अलावा त्रिपुरा की मानद फेलोशिप भी मिली हुई है प्रख्यात भी इनको मिला हुआ है किस रेलवे स्टेशन का सिलेक्शन अमृत भारत मिशन के लिए हुआ है हरियाणा का जो रेलवे स्टेशन जो है ना उसमें जो सिलेक्शन हुआ है हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का सर ये अमृत भारत मिशन क्या है अमृत भारत मिशन का मतलब ये है कि जो रेलवे स्टेशन है वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो की की जाएगी के साथ में वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मॉल है वगैरह बनाए जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेशन पे जाके बैठ गया अब कई बार होता है कि एक घंटे ट्रेन ना आए आपको या दो घंटे तक इंतजार करना पड़े ट्रेन लेट हो जाए क्रोस वगैरह में तो आप वहां बैठे बोर हो रहे हो इससे वहां पे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कोई कोई जो जो आपके आप, इसके अलावा आपका जैसे ये वगैरह होते हैं यहाँ पे आप बैठ सकते हो तो इस टाइप के फूड कोर्ट्स वगैरह भी बनाए जाएंगे जिससे इनकी आमदनी भी हो मॉल वगैरह हो तो इनकी भी मतलब एक इको बढ़ेगा और दूसरी बात जो है ना यात्रियों का भी टाइम पास अच्छा होगा तो ये इन चीजों को देखते हुए ये अमृत भारत मिशन चल रहा है अभी के लिए और रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर नो डाउट बढ़ेगा ही हर जगह एक्सीटर वगैरह वगैरह सब कुछ ये लगा दी

भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान हाल ही में कौन बनी है उप कप्तान को बनाया गया नवनीत कौर को बनाया गया ये नवनीत कौर है उप कप्तान ये हरियाणा के शाहबाद की है याद रखना और को आपको कप्तान तो पता ही है जो हरियाणा के सिरसा जिले के जोदका गांव की है जिनका नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा सविता पूनिया जो गोलकीपर है बहुत फेमस है सर पहले कप्तान तो हमने रानी रामपाल को सुना था देखो रानी रामपाल चोटिल हो गई थी इस करके खेलों से छुट्टी पी थी अब दोबारा सामान्य खिलाड़ी के रूप में इनको सिलेक्ट कर किया गया है इस टीम के अंदर ठीक है इसके अलावा अगली बात है हमारी इंपॉर्टेंट क्या कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में महिला अध्ययन शोध केंद्र को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शोध अध्ययन करने के लिए अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है महिला आयोग महिला अध्ययन जो शोध अध्ययन का मतलब होता है रिसर्च के लिए और ये कुरचेत्रा यूनिवर्सिटी को जो है ना ये अनुमति मिली है कि यहां पे रिसर्च की जा सकेगी महिलाओं के संबंधित या यूं कहिएगा महिलाओं को स्पेसली जो है ना ये रिसर्च करने के लिए ताकि बेटियों का तबका समाज में थोड़ा बढ़ पाए मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में अठारह करोड़ की कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और के साथ साथ शिलान्यास किया तो तकरीबन एक परियोजनाओं का हरियाणा के हर एक जिले का जनवरी 2023 के अंदर 6 जनवरी 2023 की बात है तब हर एक जिले के अंदर लगभग एक परियोजना है टोटल पैसा इस पर अठारह करोड़ है आप लोगों को हर एक जिले की परियोजना याद करने की नीड नहीं है लेकिन यह याद करना होगा कि कुल कितनी परियोजना है एक कुल पैसा कितना था अठारह और कब जनवरी 2023 और हो भी क्यों ना क्योंकि अगले साल में इलेक्शन जो आना है खैर ठीक है खैर अगली बात पे आते हैं हम लोग तो अगली बात यह है कि किस विश्वविद्यालय की टीम किशोरियों में विटामिन डी की समस्या का समाधान खोजेगी विटामिन डी का समाधान किशोरियों में यानी कि लड़कियों में विटामिन डी को जांचना और उसको कैसे तरीके से जो है ना पूर्ति करवाना उसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना वो समाधान खोजेगी यानी कि एक एक्सीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश करेगी ऐसी घोषणा हुई है ठीक है ना तीस लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है साइंस एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है आपको अच्छे से पता है पूरे भारत के सबसे बेस्ट वीसी का इनको ऑलरेडी अवार्ड जो है ना वो दिया जा चुका है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी के, के जो पहले चांसलर जो बनेंगे ना उनका नाम भी बता दूंगा आपको मैं कपिल देव है जो हरियाणा हरिकेन के नाम से पुकारे जाते हैं ये है एस एस देशवाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आई के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति इनको नियुक्त किया गया है मौजूदा मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय का विस्तार करके 200 एकड़ जमीन पे जो, ना सोनीपत के राई के जो है ना ये आपका जाएगा। बहुत है। 1984 बैच के ही अधिकारी है दो हैं, 2021 में रिटायर्ड हुए थे कपिल देव हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर होंगे राज्य सरकार ने ऐलान किया इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना करते हैं हम लोग उन्नीस में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताया है इन्होंने इसके अलावा अगली बात यह है कि हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल हाईवे बनेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत टोटल तीन नए नेशनल हाईवे बनेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ना ये बेसिकली हमारे भारत में स्टार्ट इसलिए किया गया है क्योंकि आ, बेसिकली सीधा सा कारण है इसका कि कहीं ना कहीं जो है ना वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में ग्रोथ करवाना है दूसरा हम लोगों को जो है ना रूट सुधारने हैं हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अच्छी लेके आनी है कोस्टल रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी लानी है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने हैं बैलेंस करना है जितने भी आपके हाईवे हैं इनके तहत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है तो भारत सरकार का एक उद्देश्य है इस भारतमाला प्रोजेक्ट से कि 34,800 हजार आठ सौ किलोमीटर के रोड बनाने हैं जिनके ऊपर तकरीबन पांच हजार पांच लाख पैंतीस हजार करोड़ का जो है ना हम लोगों ने खर्चा करना है तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट ये है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है एक बात याद रखना बजट में भी आपने पढ़ा होगा इस बार हम लोगों ने बड़ा बुस्टअप दिया दस लाख करोड़ जो है ना वो आपका इसपे खर्चा किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बढ़ता है उतना ही ज्यादा रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और के साथ साथ जो है ना देश में मूवमेंट भी आती है गति भी आती है इसके अलावा अगली बात है कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस गांव में बाबा लखी शाह वंजारा का स्मारक और सराय का निर्माण किया जा रहा है तो यह कुरुक्षेत्र केंद्र किया जा रहा है किस जिले की छवि धीमान को मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी में बेस्ट वॉक का ताज मिला है तो मिसेज जो आपकी छवि धीमान है ना ये पानीपत की है न, इनको बेस्ट वॉक का जो है ना ये अवार्ड मिला है इसके अलावा पानीपत को पान बुनकरों का शहर पेट्रोकेमिकल हब और युद्धों का अखाड़े के नाम से तो इसको खैर पुकारा गया ही है किस राज्य की तर्ज पे हरियाणा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को, को एक्सप्रेस बिजली दी जाएगी एक्सप्रेस बिजली जो है ना दी जाएगी हरियाणा के अंदर गुजरात राज्य की तर्ज पर ऐसा कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री जी का और के साथ जेल मंत्री भी हैं ये एक्सप्रेस बिजली का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे बिजली रहेगी आपका कट नहीं लगेगा देखो होता है क्या कि हमारे घर में मान लो बिजली चली गई तो हमें इतना खास नुकसान ना भी हो क्योंकि हमारे पास तो इन्वर्टर की अवेलेबिलिटी है मान लो इन्वर्टर भी काम करना बंद कर गया तो हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान किस चीज़ का हो रहा है कि हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है या कपड़े धोने रह गए हैं पानी की टंकी खाली हो गई है यही हमारे काम हो सकते हैं लेकिन समझिएगा जहां इंडस्ट्री जो होती है ना और वहां अगर बिजली चली जाती है तो देखिएगा कितना कितन ज्यादा जो है ना ग्रोथ रुक जाता है उनका पूरा सप्लाई चेन बंद हो जाता है वर्कर्स इतने सारे होते हैं वो बैठ जाते हैं तो मतलब जो कंपनी का मालिक है उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है देखा जाए कि पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये बहुत लंबी बात है कि वो कोई मान लो पाइप बना रही है फैक्ट्री तो कहीं पाइप सप्लाई करनी है आगे उनका यूज लेना है तो पूरी चेन डिस्टर्ब हुई इसलिए वो जनरेटर रखते हैं पर उनका जनरेटर चलाने से जो खर्चा है वो एक यूनिट का तकरीबन तकरीबन पंद्रह से सोलह रुपए का पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा है अब इंडस्ट्रियों को बिजली दी जा रही है सात रुपए पर यूनिट में तो हरियाणा के बिजली मंत्री जी ने कहा कि एक काम करते हैं एक्सप्रेस बिजली देते हैं जो बिजली अब वर्तमान में मिल रही है उसमें एक रुपए बढ़ोतरी कर देंगे मतलब अब इनको सात रुपए मिल रही है अब इनको आठ रुपए बिजली देंगे तो इससे क्या है कि चौबीस घंटे बिजली रहेगी इनकी अलग से फीडर निकाले जाएंगे मतलब नॉर्मल के साथ कनेक्टिविटी में फायदा नहीं है अलग से

जलमाना गांव के हैं सीबी रावल बापोली में ठीक है है ना इनको नवाजा गया है, एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा एजुकेशन के अंदर जो है ना वो शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा देने के चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में हरियाणा में दिव्यांगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है तो दिव्यांगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा इसके तरफ लिए केंद्र सरकार की तरफ से 300 करोड़ का बजट जो है ना वो ऑलरेडी आपका प्रपोजल में है या दिया जा चुका है एक राजकुमार जी मक्कड़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो उनको पूरे भारत में बेस्ट दिव्यांग अवार्ड भी मिल चुका है ये याद रखना आप लोग ठीक है ना तो हमारे हरियाणा के अंदर दिव्यांगों के लिए वो काम करते हैं ठीक है ना ये राजकुमार मक्कड़ ये हरियाणा के अंदर आयुक्त

कौन सा राज्य हरियाणा की में बाजी प्रबंधन प्रणाली को अपने यहां लागू करेगा में बाजी प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला है उत्तर प्रदेश जैसे हरियाणा के अंदर लो एंड एनफोर्समेंट रोल जो चल रूल चल रहे हैं ना उनको लागू करेगा उत्तर प्रदेश हरियाणा की तर्ज पे प्राइड ऑफ नेशन के अवॉर्ड से सम्मानित सीबी रावल को किया गया तो रिपीट हो गया ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ठीक है ना ये तो रिपीट हो गया भैया हाँ, हरियाणा के किस मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है हरियाणा के मंत्री जिनका नाम है मनोहर लाल जी इनको अभी रिसेंटली गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया है वो राजस्थान के अंदर आबू रोड में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है ना वहां पे एक कार्यक्रम हुआ था सामाजिक बदलाव के चलते सामाजिक बदलाव में सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव करना लोगों को जन भागीदारी में लोगों का हिस्सा देना जन भागीदारी यानी कि सबका साथ सबका विकास करने में हेल्प करना इसके चलते ही इनको सम्मानित किया गया

बहादुरी का अवार्ड इनको दिया गया पानीपत डिपो से संबंधित है दोनों सुशील और परमजीत अगला सवाल आपका है यहाँ पे कि हाल ही में किस मंत्री ने अपना विभाग मनोहर लाल खट्टर को वापस सौंप दिया तो मैंने अभी कहा था ना शिक्षा मंत्रालय जो है ना शिक्षा मंत्री ने विभाग वापस सौंप दिया क्योंकि इनके खिलाफ कुछ ये धाराएं लगी थी ठीक है ना अगली बात है हमारी क्या आ, अगली बात ये है हमारी कि हरियाणा ने स्टील सिटी बोकारो में सब जूनियर लड़कियों की कबड्डी टीम में कौन सा पदक जीता तो हरियाणा ने स्टील सिटी बोकारो में सब जूनियर लड़कियों की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है गोल्ड मेडल ठीक है ना देश का पहला और एकमात्र सेंटर कौन सा है जिसने गल्फ देशों की छह खजूर वैरायटी पे रिसर्च की है तो देश का पहला और एकमात्र सेंटर है जिसने गल्फ देशों की छह खजूर वैरायटी पे रिसर्च की है यह है आपका सिरसा सिरसा का एक मांगियाना परियोजना है शायद आपने सुनी होगी तो यहां पर विदेशी खजूर की खेती हो रही है छ वेरायटी पर रिसर्च कर ली और कामयाबी मिली कामयाबी ऐसी मिली कि यह वायटी को जो है ना इसका नाम है बरही खजूर ये बरही खजूर बेर की तरह ही होता है जिसको सीधा के खाया जा सकता है यह किसानों को भी दिया जा चुका है जिस पे किसान खेती भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट में यहाँ पे सब्जेक्ट मेंटर स्पेशलिट स्पेशलिस्ट है जो रमेश कुमार उन्होंने इसकी जानकारी दी है 2009 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2011 में इसका उद्घाटन हुआ था 9 करोड़ इसके ऊपर खर्चा लगा था सारा का सारा और इसराइल से 11 साइट्रस की वैरायटी भी यहाँ पे जो है ना लाई गई थी ये इंडो इसराइल प्रोजेक्ट है आपको याद होगा कि करनाल का घरोंडा और के साथ में ये आपका सिरसा का मांगियाना परियोजना ये दोनों मिल ही काम कर रहे हैं इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस जिले में छठी एलिट मैन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ है तो ये हिसार जिले के अंदर हुआ है एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हरियाणा का कौन सा जिला करेगा तो जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हरियाणा का जिला गुरुग्राम करेगा बहुत ही महत्वाकांक्षी है हमारे लिए ये और भारत के लिए भी चैलेंज है कहिएगा क्योंकि ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो यूं कहिएगा जो रशिया और जो यूक्रेन जो विरोधी राष्ट्र है उनके बीच में हम कुछ एक यूनिक काम करने जा रहे हैं जहां शांति का हम लोगों ने ऐलान करना है तो एक बहुत बड़ा हमें यूं कहिएगा जिम्मेदारी मिली है ये अगली बात यह है जी ट्वेंटी का गठन की बात की जाए तो उन्नीस सौ निन्यानवे के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि के रूप में किया गया था पूर्वी देशों और दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्रभावित किया गया इसका उद्देश्य था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके उनको वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना जी ट्वेंटी देशों की दुनिया की साठ परसेंट आबादी और वैश्विक जीडीपी का अस्सी परसेंट व्यापार जो है ना उनका पिछहत्तर और वैश्विक व्यापार का पिछहत्तर परसेंट शामिल है जी ट्वेंटी में अर्जेंटीना आता है ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनेडा चाइना यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी अपना इंडिया इंडोनेशिया लास्ट टाइम यहीं पे ही हुआ था इटली जापान मैक्सिको रशिया सऊदी अरब अफ्रीका कोरिया टर्की और इसके टर्की ये कहेंगे उसको अब तो और संयुक्त राज्य अमेरिका ये शामिल है इस जी के अंदर

इन जो आई वी एफ टेक्नोलॉजी होती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये हमारा सी आई आर बी का सी आई आर बी की स्थापना कब हुई थी 1985 में हुई थी सी आई आर बी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज ठीक है हरियाणा में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में कितने परसेंटेज रही है तो सबसे ज्यादा ही देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका सैंतीस वाला दिख रहा है तो ठीक है सैंतीस है, परसेंटेज है ना इस लिस्ट में देखिएगा सैंतीस चार परसेंटेज सबसे ज्यादा रही है बेरोजगारी की दर सबसे कम है ओडिशा की जीरो ठीक है ना पूरे भारत की रही है आठ अर्बन साढ़े नौ गांव की सात ठीक है इसके अलावा अगला है कि जी ये तो खैर रिपीट हो गया हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन जो है ना अभी हाल ही में बनाया गया है श्री वी एस कुंडू को हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है जिनका नाम है वी एस कुंडू उनको जो है इसका राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया है हरियाणा के किस व्यक्ति की पांच प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेगी पांच प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेगी जो जींद जिले के पूर्व सरपंच है सुनील जागलान इनकी लगेगी इस टाइप की पांच प्रतिमाएं जो है ना वो लगाई जाएगी इन प्रतिमाओं पर सात लाख रुपए की राशि खर्च होगी उत्तर प्रदेश के बीस गाँव को इन्होंने गोद लिया हुआ है और गोद लेके उन गाँव में बीबीपुर मॉडल लागू कर रहे हैं बेटियों के नाम पे जो है ना जैसे इन्होंने बीबीपुर केन्द्र क्या करा कि बेटियों के नाम पे घर की नंबर प्लेट है पीरियड है जैसे घर में माता बहन उनका जो पीरियड्स आते हैं तो पीरियड का चार्ट है याद रहना चाहिए पता रहना चाहिए कि भी कब पीरियड आ रहे हैं तो उनके मूड स्विंग्स को पहचान सके पहचाना भी खैर बहुत जरूरी है मूड स्विंग्स को ठीक है ना तो ये सब चीजें हैं इसके लिए सुनील जागलान ने जो है किया गया है छत्तीस जनवरी सॉरी छत्तीस व अंतर्राष्ट्रीय सूर्य कुंड मेला जो है ना वो कब तक लगेगा तो ये स्टार्ट हो चुका है इवन ये आज ही से स्टार्ट हुआ है आपका ठीक है ना छत्तीस तीन तारीख से स्टार्ट हुआ ठीक है ना तीन तारीख से तीन तारीख से लेके उन्नीस तारीख तक ये चलने वाला है इस बार हमारे सहयोगी जो हैं उनके बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के सारे आठ राज्य जो ना सहयोगी हैं आठ राज्य थीम स्टेट के रूप में आने वाले हैं आसाम आ रहा है अरुणाचल आ रहा है मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड सिक्किम ये इसमें प्रतिभागी रहने वाले हैं देशों की बात करें तो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन है ना वो आने वाले हैं हमारे साथ में ठीक है ना संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के जो देश है ना वो इसमें आएंगे आपके और संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के सदस्य हैं कौन कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान भारत और पाकिस्तान ये इसके अंदर आएंगे आपके सारे के सारे भारत और पाकिस्तान वैसे इसमें 2017 के अंदर सदस्य बने थे ठीक है हाल ही में हरियाणा में हिंद केसरी का खिताब किसने जीता है तो हरियाणा के अंदर जो हिंद केसरी का खिताब अभी जीता है ना उनका नाम क्या है तो इनका नाम है डियर मोहिनी जांगड़ा गोहाना की है ये गोहाना के गांव, शामड़ी की रहने वाली है 2023 हिंद केसरी महिला पहलवान का खिताब इन्होंने जीत लिया सीधा सारा सटीक सा सवाल है किस जिले के गांव गोरगढ़ की रहने वाली छह साल की बेटी सियाना चोपड़ा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किली मंजारो को फतेह किया है तो गोरगढ़ की रहने वाली और ये गोरगढ़ पड़ता है करनाल के अंदर पड़ता है और यहां पे जो है ना माउंट किली मंजारो को जो है ना ये फतेह किया है इस बेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात है माउंट किली मंजारो को फतेह करना अपने आप में तीन फीट की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया उन्नीस महाद्वीप की इन्होंने ठीक है ना सॉरी उन्नीस फीट की सबसे ऊंची चोटी को जो फतेह किया इन्होंने छब्बीस जनवरी को तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हरियाणा में कितनी महिलाओं को ऑटो चलाने का प्रशिक्षण पहले चरण में जो है ना वो दिया जाएगा ऑटो चलाने का प्रशिक्षण जो है ना वो 100 महिलाओं को दिया जाएगा कमलेश ढांडा जो है ना हमारे हरियाणा की जो महिला मंत्री है या महिला एवं बाल विकास मंत्री है के साथ में ये एक चेहरा तुम्हें दिख रहा होगा और ये चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम तुम जानते होंगे फोगाट सिस्टर की वजह से और ये हरियाणा महिला आयोग जो डिपार्टमेंट है ना उनके अंदर ही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

तलवारबाजी प्रतियोगिता में पहले नंबर पे अपना हरियाणा ही राज्य रहा जिसने आठ गोल्ड जीते एक सिल्वर जीता और तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नामक शेर लाया गया है सिम्बा नामक शेर जो है ना वो लाया गया है कि ये भिवानी चिड़िया घर के अंदर ठीक है ना सिम्बा शेर एक्चुअली क्या है कि इस चिड़ियाघर में एक शेर है तो इसको ना मतलब यहाँ का एक शेर है अर्जुन वो तो वहां लेके जाया जाएगा और वहां का सिम्बा यहाँ लाया जाएगा क्योंकि ये बेसिकली ब्रीड की वजह से ऐसा किया जा रहा है आपका ठीक है भिवानी लघु चिड़ियाघर जिसमें एक शेर दो शेरनी पैंथर का जोड़ा बालू का जोड़ा घड़ियाल मगरमच्छ हिरण ब्लैकबर्ग सांबर तोते मोर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लघु चिड़ियाघर है ये उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है सरकार आश्वासनों पर गठित एक कमेटी का विशेष सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है तो सरकार सरकारी आश्वासनों पर गठित कमेटी का एक विशेष सदस्य श्रीमती गीता भुक्कल को बनाया गया है अभी हाल ही में ठीक है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने श्रीमती गीता भुक्कल को 2023 जो चौबीस बाद दो हजार की जो विशेष अवधि के लिए सरकारी आश्वासनों पर गठित जो है ना कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है ये आप लोगों को याद रखना है डियर ठीक है हरियाणा सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया किसे बालकृष्ण अग्रवाल को व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया उकलाना मंडी के आ, जो है ना ये बालकृष्ण अग्रवाल को बनाया गया चरखी दादरी के सॉरी चरखी दादरी के बालकृष्ण अग्रवाल हैं और उकलाना मंडी के जो ये है ना इनको बनाया गया है आपका साथ के साथ बोर्ड का वाइस चेयरमैन ठीक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये गांवों को सुधारने वाला एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके तहत टोटल दो सड़कें टू सड़कें जो बनाई जाएगी और इस पर खर्चा आने वाला है चौबीस करोड़ रुपए का दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसी घोषणा की है सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया पहली तो बात ही इंपॉर्टेंट यही है कि हरियाणा राज्य के अंदर चौथी पुलिस कमिश्नरी आई है सोनीपत और सोनीपत जिले का फिर पहला पुलिस कमिश्नर जो बनाया गया ना इनका नाम है बी सतीश बालन जो आपको दिखाई दे रहे हैं सोनीपत के पहले पुलिस कमिश्नर आईपीएस बी सतीश बालन बने हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम परस्पेक्टिव ठीक है ना इसके अलावा सोनीपत जिले के एसपी हिमांशु गर्ग है इनको भी मुख्यालय इनके साथ ही जो हेडक्वार्टर है वो अटैच कर दिया गया है और पहले इनसे पहले गुरुग्राम फरीदाबाद और पंचकुला में कमिश्नरी थी अब चौथी सोनीपत में भी होगी गुरुग्राम फरीदाबाद पंचकुला और के साथ साथ अब सोनीपत में भी चार पुलिस कमिश्नरी होगी हरियाणा में हरियाणा के पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इनका नाम है जगदीश नेहरा जगदीश नेहरा जी का निधन हो गया है अभी हाल ही में ठीक है ना नेहरा जी की बात की जाए तो आ, ये दो जो है ना अभी 20 जनवरी को इनका जो है ना वो निधन हुआ है 1973 से लेकर उन्नीस तक सिरसा में जिला यूथ कांग्रेस के महासचिव रहे उन्नीस में चौधरी देवीलाल के पुत्र प्रताप चौटाला के सामने चुनाव लड़ा इन्होंने इसके अलावा उन्नीस से सतासी तक हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है हरियाणा बोर्ड गणित की तर्ज पर कितने कठिन विषयों को दो भागों में बांटेगी तो गणित की जो है ना तर्ज पे टोटल दो विषयों को जो है ना बांटने वाली है हरियाणा के दो वीसी हैं हैं इस डिपार्टमेंट चेयरमैन हैं हरियाणा बोर्ड के उनका नाम है डॉक्टर वीपी यादव डॉक्टर वीपी यादव ने कहा है कि हरियाणा के अंदर दो मुश्किल सब्जेक्ट एक साइंस और एक संस्कृत है। जैसे होता है ना कि एक पहले तो बेसिक पढ़ लेते हैं उसके बाद में एडवांस पढ़ना होता है तो कुछ ऐसे ही है कि इनको बेसिक और एडवांस दो लेवल बना दिए जाएंगे जैसे मैथ का बेसिक लेवल है एक एडवांस लेवल है ऐसे साइंस का एक बेसिक लेवल होगा एक एडवांस लेवल होगा ऐसे संस्कृत का बेसिक और एडवांस होगा तो दो मॉड्यूल बना दिए गए हैं ताकि बच्चों को आसानी हो सके पढ़ने के लिए सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष किसे बनाया तो हरियाणा में सांख्यिकी विभाग जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें मुकेश काद्यान जी को जो है ना वो चेयरमैन बनाया गया है हाल ही में यह अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है मैं चाहूंगा आप तुम कॉपी पे इन्हें लिख के अच्छे से याद करना इसके अलावा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर हंड्रेड की कोचिंग जो है ना वो हरियाणा के किस जिले में दी जाएगी रेवाड़ी के अंदर ठीक है ना रेवाड़ी के अंदर दी जाएगी और किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम कितने लाख तक की सब्सिडी तीन लाख रुपए तक की सब्सिडी है 660 ट्रैक्टरों की खरीद जो है ना उस उसपे लगभग 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा स्पेशली अनुसूचित जाति के किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा ये ठीक है ना पचास परसेंटेज अधिकतम मतलब पचास परसेंटेज का योगदान होगा जिसमें से अधिकतम तीन लाख रुपए की सब्सिडी है लेकिन हाँ वो है यही कैसे कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही है वरना तो देखो पूरी जनता ही आ जाएगी ऐसे तो तीन तीन लाख का तो बहुत बड़ी बात है सब्सिडी ठीक है ना हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग में पब्लिसिटी एडवाइजर कौन बने हैं तो पब्लिसिटी एडवाइजर बने हैं तरुण भंडारी इस डिपार्टमेंट के डीजी का नाम मैंने अभी बताया इसी क्लास में अमित अग्रवाल है ठीक है जिन्होंने उपहार पोर्टल लॉन्च किया था हाल ही में ये तरुण भंडारी है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ये प्रसार के लिए जैसे योजनाओं का प्रसार करने वाले डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री द्वारा या हरियाणा के सूचना विभाग द्वारा जो भी योजना लॉन्च की जाती है उसको प्रचार प्रसार के पब्लिसिटी एडवाइजर बने हैं ये कौन से वर्ष तक हरियाणा में बाढ़ मुक्त बनाने का टारगेट है 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का टारगेट रखा गया है और जिस भूमि में खेती नहीं होती है उस खेती लायक बनाना ठीक है हरियाणा पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य ऐसे तो खैर घोषणा थी ये हरियाणा साहित्य अकादमी के जर्नल काउंसिलिंग के सदस्य कौन बने हैं तो हरियाणा साहित्य अकादमी के जर्नल काउंसिलिंग के सदस्य अभी हाल ही में बने हैं डॉक्टर महासिंह पूनिया सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स के अध्यक्ष डॉक्टर महासिंह पूनिया को जो है ना वो राष्ट्रीय साहित्य संस्थान का सदस्य मनोनीत किया गया है अभी हाल ही में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा कहां फहराया तो सीएम साहब ने क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएम साहब ने जगाधरी में फहराया था ठीक है ना जगाधरी यमुनानगर के जगाधरी में और राज्यपाल जी ने कहा फहराया था कुरुक्षेत्र के अंदर ये दो याद कर लेना और डिप्टी सीएम ने हिसार में ये तीन चीज याद कर लेना चलो आप लोग ठीक है ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी वैसे तो आप पीडीएफ इसका जो आपको मिल जाएगा स्टार आई क्यू पे मिल जाएगा ठीक है ना पर आप लोग देख सकते हो इसका पीडीएफ में भी या स्क्रीन शॉट रखना चाहो तो रख लो अगली बात इंपॉर्टेंट है हमारी क्या यहाँ पे अगली अगली बात ये सब चीजें नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं ठीक है ना हाँ ये पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने लाख तक के सस्ते ऋण का लाभ हरियाणा में दिया जाता है तीन लाख तक का ऋण जैसे भैंस है भैंस के ऊपर साठ हजार से ज्यादा का लोन ले सकते हो गाय पे चालीस से ज्यादा सुअर पे सोलह से ज्यादा भेड़ बकरी पे चार हजार से ज्यादा मुर्गी पे सात सौ बीस रुपए का लोन मिलता है आपको सर इतना ही कम रुपए तो मुर्गी भी ऐसा तो मुर्गी है ना कोई ऐसा ना, सोने घंटे दे रही है ठीक है गणतंत्र दिवस 2023 में जो हमारी झांकी थी मैंने बताया हरियाणा की इसमें कला को दिखाया गया संस्कृति को सभ्यता को दिखाया गया और हमारी थीम थी मतलब हमारा जो झांकी थी वो दिखने में ऐसी थी थीम था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार हुआ था 19 नवंबर से लेकर चार दिसंबर के बीच में इस बार का थीम नेशन था नेपाल थीम स्टेट था मध्य प्रदेश और दो में कहाँ होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में ये पहली बार इंटरनेशनल दो में हुआ था कहां पर मॉरिसस दो में कहाँ हुआ था ये तो 2019 के अंदर हुआ था ये आपका इंग्लैंड में बीस इक्कीस में हुआ नहीं कोविड की वजह से और 22 में 16 से 19 सितंबर तक हुआ कनेडा के ओटावा में कनेडा के अंदर ब्रम्पटन पार्क का नाम भी बदलकर गीता पार्क कर दिया और 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने ही वाला है तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे चिरायु निरोगी योजना भी स्टार्ट की थी हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बार तो वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अगली बात यह है हमारी ये सब चीजें तो बता दी मैंने वर्बली हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नया विभाग बनाया है तो हरियाणा सरकार का एक न्यू डिपार्टमेंट आया है इस नए डिपार्टमेंट का नाम है युवा विकास एवं रोजगार विभाग युवा विकास एवं रोजगार विभाग बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में कुल कितने कन्या महाविद्यालय हैं तो हरियाणा राज्य में कुल 31 कन्या महाविद्यालय है ये याद रखना टोटल 31 कन्या महाविद्यालय है इसके अलावा हरियाणा सरकार का किस वर्ष तक का लक्ष्य है कि हरियाणा अग्रणी हो सके आत्मनिर्भर हो सके और पूर्ण रूप से विकसित हो सके तो ये हरियाणा भारत का एक ही टारगेट है दो तक मोदी जी ने इस बार पांच प्रण लिए थे 15 अगस्त को उनमें से पहला प्रण भी यही है गोल ऑफ डेवलपमेंट डेवलप्ड इंडिया दो तक भारत को विकासशील से विकसित बना देना मैंने कल बजट पढ़ाते टाइम भी ये बात बताई थी आपको हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया यह बनाया जवाहर सिंह यादव को सी ऑप्शन इसका सही है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं जवाहर सिंह यादव इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से हरियाणा में कहां तक रोप वे बनेगा तो हरियाणा में माता मंत्रा देवी से लेके आदि बद्री के बीच में जो है ना रोप वे बनेगा जिससे उड़न कठोलों के माध्यम से पर्यटन यात्रा की जा सके इसके अलावा अगला सवाल हिमाचल प्रदेश की राजधानी खैर आपको पता ही है क्या है शिमला है और धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश के पंद्रहवें मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है राज्यपाल का नाम क्या है राजेंद्र है आपका और एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में नारी को नमन एक योजना चलाई थी जिसमें महिलाओं का जो किराया है ना वो फिफ्टी परसेंटेज कर दिया मतलब पहले से आधा कर दिया है किराया ठीक है ना और भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य भी यही बना है आपका हिमाचल रिलायंस जियो ने हाल ही में कितने शहरों में महीने में लॉन्च किया है भारत का 100 परसेंट फाइव लाने वाला राज्य का नाम है गुजरात राज्य ये याद रखना आप लोग इसके बाद में हरियाणा का ये लिंगानुपात में मैंने बता दिया फतेहबाद नंबर वन है ठीक है ना इसके अलावा है कि हरियाणा के किस ये क्वेश्चन भी मैंने पहले पढ़ाया था पिछले महीने का क्वेश्चन था शायद अभी फिर रिवाइज करवा देता हूं जो प्रोफेसर रविंदर बलियाला है ना ये हरियाणा के अंदर जो एस कमीशन बना है उसके पहले जो है ना वो चेयरमैन बने हैं रविंदर बलियाला हरियाणा शेड्यूल कास्ट कमीशन के ठीक है किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जो है ना वो किया गया अमिताभ सिंह डिल्लो को अमिताभ सिंह डिल्लो को सम्मानित किया गया और टोटल तो खैर आपके थे पर इनमें अमिताभ सिंह डिल्लो को जरूर याद रखना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आर की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में वार्षिक बैठक हरियाणा के किस जिले में हुई तो ये पानीपत के अंदर होगी मतलब ठीक है ना ये 12, 13 और 14 मार्च को होने वाली है आर की बैठक आर की स्थापना कब हुई थी 1925 को हुई थी केशव हेड गारे ने स्थापना की थी मोह, मोहन भागवत जो है ना वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ठीक है तो ये बात भी आप लोग याद कर लेना अगला है कि हरियाणा के किस जिले की बेटी दिव्या नोखवाल गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रक्षा मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगी तो रक्षा मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगी ये और ये कहाँ की है ये फतेहवाद की बेटी है यह याद रखना आप लोग दिव्या नोखवाल ठीक है अगली बात है कि हाल ही में हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री सुपर 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 इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर की जान है यह सवाल क्योंकि यहां से सवाल बनना लाजमी है देख लेना दो लोगों को पदम श्री दिया गया है सुपर इंपॉर्टेंट है सहज होकर याद कर लेना एक का नाम याद रखना प्राचार्य डॉक्टर सुकामा एक है डॉक्टर बख्शीराम इन दोनों को दिया गया है भारत सरकार की ओर से कन्या गुरुकुल रुड़की की आचार्य सुकामा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

इजाद इन्होंने ही की थी इसी के चलते इनको दिया गया है ये आपका पद्मश्री सम्मान दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्षेत्र शिक्षा एक क्षेत्र आपका विज्ञान का क्षेत्र है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन के तैयार हुआ है तो ये चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर बन के तैयार हुआ है आपका जो दो मेगावाट पावर क्षमता जो है ना वो क्रिएट करेगा अगला सवाल आपका क्या है हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक जो आयु को जो ना समाप्त कर लिया है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए मतलब स्कूल में एडमिशन लेने की कम से कम एज जो है ना छह साल रहेगी आपकी ठीक है ना अब हाल ही में अंडर uh, 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा के जीता है और भारत ने इंग्लैंड को हरा के जीता ये तो ठीक है लेकिन इसमें सेफाली वर्मा को याद रखना जो हरियाणा के रोहतक जिले की है जो कि इस टीम की कैप्टन थी ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है याद रखना रोहतक की है ये लड़की दो में इनका जन्म हुआ था ठीक है अगली बात इंपॉर्टेंट है आपके अच्छा आईसीसी के बारे में बात करो तो ग्रेग बार्गले इसके अध्यक्ष है जॉब अलार्डिस सीईओ है इसके दुबई में हेडक्वार्टर है 1909 में इसकी स्थापना हुई थी सूरजकुंड मेला तो चलो ठीक है हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए ब्लू प्रिंट तैयार हुआ है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए ब्लू प्रिंट तैयार हुआ है अभी हाल ही में ये अंबाला है ब्लू प्रिंट का मतलब है कि पहले से सारा खाका तैयार होगा कहां पे एयरपोर्ट होगा कहां पे पार्किंग स्टेशन होगा सब चीजें एकदम एग्जैक्ट तरीके से जो है ना कंप्लीट तैयार की जाएगी आपकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गुप्ती सागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास अभी हाल ही में सोनीपत में किया है इसके अलावा गणतंत्र दिवस के समारोह पर ग्यारह टुकड़ी में से एक जो पुलिस नेवल की टुकड़ी है ना वो पहले स्थान पर रही थी इसके अंदर वोकेशनल टीचर के मानदेय में हरियाणा सरकार ने हाल ही में पांच परसेंटेज की बढ़ोतरी की है पहले साढ़े तीस हजार थे बत्तीस हजार पच्चीस रुपए जो है ना मिलेंगे कौन से देश के राजदूत अभी हाल ही में जॉर्जिया के राजदूत आए थे जहां पे हमने शिक्षा और स्वास्थ्य फार्मा कृषि खेल इन अलग अलग डिपार्टमेंट पे हरियाणा और जॉर्जिया ने समझौता किया है अभी हाल ही में ठीक है ना जॉर्जिया के राजदूत आए थे इनके साथ डॉक्टर एच ई ठीक है ना डॉक्टर एच ई आर चिलिम्ब जॉर्जिया ये दिख रहा है आपको जिसकी राजधानी तिबलसी है ठीक है गुरुद्वारा इलेक्शन जो है इस डिपार्टमेंट के आयुक्त अभी हाल ही में कौन बने हैं तो इसके बने हैं श्री संदीप कुमार जी ठीक है चौथी हरियाणा राज्य रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा चौथी हरियाणा राज्य रेस वॉक चैंपियनशिप सोनीपत के अंदर होने वाली है पांच फरवरी को यह स्टार्ट की जाएगी चैंपियनशिप ठीक है चलिए सर तो ये क्वेश्चन अच्छा हो गए पूरे ठीक है डन कंप्लीट डन ठीक है चलिए मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चों ये पूरे महीने पूरे जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर सुपर फास्ट मैंने आपको रिवीजन करवा दिया एक बार में समझ नहीं आया दो बार पढ़ना तीन बार देखना रिपीट वीडियो देखना हरियाणा जी आप लोग पढ़ते रहिएगा अगर आप लोगों ने मुझसे हरियाणा जी पढ़नी है तो आप स्टार आई क्यू को डाउनलोड करो और वहाँ पर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोर्स मिलेगा फुल कोर्स अगर आपको चाहिए तो ठीक है ना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग इस आ, क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप स्टार आईक्यू को डाउनलोड करना वहीं पे ही आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा इकतीस रुपए का पेड पीडीएफ मिलता है हर महीने का ई e मैगजीन मिलेगा आपको वो थैंक यू सो मच धन्यवाद अपना ख्याल रखना